मोहब्बत है खुदागर, मोहब्बत का दरिया है हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका, बनाया गया त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, अजब दास्तां है अजब है कहानी। अरे राम कटोरी, मुझे डर लग रहा है, उसके हाथ में पिस्तौल है। वो क्या है ना, तेरी हिम्मत देखकर मेरा मन तेरे पे आ गया। वो क्या है, तूने मेरे खातिर अपनी जान हथेली पर रख के हवेली तक चला आया। हाँ राम कटोरी, तेरी खातिर। अच्छा ठीक, तो मैंने भी फैसला कर लिया है, आज से मैं इस बुजदिल का नाम अपने मन से निकाल देती हूँ और तेरा नाम। देख परदेसी, तुझे जाना है ना तो तू मत जा भी। अभी क्या है कि मैं चली जाती हूँ इसके साथ। देखा, बिना लड़े ही मोहब्बत की जंग जीत गया राम कटोरी। जाने से पहले ये पिस्तौल मुझे देना। दे, पिस्तौल नहीं राम कटोरी, पिस्तौल का तो क्या करेगी ये? वो क्या है ना, इस पिस्तौल की सारी गोलियां इसके सीने पे डालूंगी, ताकि अपने हाथों से पुराने मोहब्बत का दिया बुझाकर नए मोहब्बत की दिया जलाऊंगी। नहीं 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 हम कटोरी, ये सुंदर सुंदर नाजुक नाजुक हाथों में तो मेहंदी लगानी चाहिए, उसकी जगह तो इस कायर का खून लगाएगी। नहीं राम कटोरी, नहीं। मैं कहती हूँ ना, ये पिस्तौल मुझे दे दे। नहीं राम कटोरी, मैं कहती हूँ ये पिस्तौल मुझे दे दे। नहीं राम कटोरी। क्यों, नकली है क्या? तू ये नकली पिस्तौल से हमारे असली मोहब्बत की जंग जीतने चला था, और तू पीछे खड़े खड़े क्या देख रहा है? चला तू मेरी मर्दानगी को ललकार रहा है। ये देख, तू सिकंदराबाद का कट्टा देखा? नहीं नहीं देखा ना, मैं दिखाता। देख, पंडित जी तुम्हें भी मारो भाई, मारो ये लो, मारो। बोले कटर, क्यों बुलाया मुझे? ठाकुर साहब, आपने हमारे धंधे का उसूल तोड़ दिया। आप मुझे एक बात बताओ, वो मनाली और उसकी बेटी को मारने की सुपारी आपने मेरे को दी थी, तो ये नम्रता बीच में कहां से अटपकी? क्योंकि तुम वो काम नहीं करते। आखिर मैं कब तक इंतजार करता? जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है तो। ठाकुर साहब, आप अगर थोड़ा इंतजार करते ना तो पानी कहीं से नहीं गुजरता, लेकिन हाँ अब तो वाकई पानी सर से गुजर चुका। क्या मतलब? ठाकुर साहब, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि आपने इतनी जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया है? आपको पता है, आपके इस फैसले की वजह से नम्रता ने मेरे साथ 16 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया, और नम्रता ने आपका ये सारा प्लान आपकी बहू को बता दिया। मेरी बहू को? जगताप, तुम होश में तो हो? ठाकुर साहब, इस वक्त अब उन पीएला नहीं है, समझा ना? और आपका ये सारा प्लान आपकी बहू ने प्रगति को बता दिया। जगताप, चिल्लाओ मत ठाकुर साहब। और ये सारी इंफॉर्मेशन प्रगति ने पुलिस वालों को दे दी। साहब, आप जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ है? क्या हुआ? वो बेचारा तिवारी अस्पताल में जख्मी होके पड़ा है, उसका तो ऊपर जाने का टाइम भी आ गया। जगताप, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ठाकुर साहब, आप खुद जानते हैं कि आपकी आवाज में, आपकी बात में वो पहले वाला दम नहीं रहा, आपकी आवाज बिल्कुल ढीली पड़ गई, ढीली। ठाकुर साहब, हालांकि इस कहानी को मैं
मैं अपनी तरीके से खत्म करने वाला हूं। लेकिन आपने डॉक्टर साहब, आपने वो मौका मेरे हाथ से छीन लिया। डॉक्टर साहब, ये जगताप अपने उसूर का इतना पक्का आदमी है ना कि जो काम आपने मुझ पे सौंपा था वो अगर मैं कर नहीं सकता ना तो आपका सारा का सारा पैसा मैं आपको वापस देने वाला हूं। जो काम वो मुक्का की वजह से बिगड़ गया, लेकिन ठाकुर साहब अब उसूर आपने तोड़ा। इतना होने के बावजूद मैं आपको एक इत्तला देता हूं कि आपकी पीठ में छुरा भोंकने वाला व्यक्ति आप ही के परिवार का सदस्य है और वो सदस्य श्रीमती निकिता विनोद ठाकुर, आपकी बहू, समझे ना? चलता हूं, राम राम। क्या बात है बाबूजी, आपने मुझे बुलाया है? विनोद बेटे, मंजिल सामने थी और निवाला हाथ में था। तुम्हारी पत्नी निकी की बेकूफी की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ है बाबूजी? निकी ने क्या किया है? मुझसे पूछते हो कि निकी ने क्या किया है? तुम्हारे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है उसने विनोद। उसने प्रगति के अलावा पुलिस को भी हमारे प्लान के बारे में बता दिया है, जिसकी वजह से सारा काम बिगड़ गया है। तिवारी पकड़ा गया और अपनी ही गोली का शिकार हो गया। नहीं बाबूजी, ये नहीं हो सकता। अरे निकी ऐसा काम कैसे कर सकती है और इस बात का पता उसे उसे कैसे चल सकता है बाबूजी? यही तो मैं भी पूछ रहा हूं तुमसे, किसने इस बात का पता कैसे चला? बाबूजी, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये सारी बातें उसे मैंने बताई है? मैं सोच रहा हूं, मैं सोच ही नहीं रहा हूं, बल्कि मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि निकी को इस बात की खबर तुम्हारे सिवाय कोई दे ही नहीं सकता है। बाबूजी, मेरा विश्वास कीजिए। कैसे विश्वास कर लूं तुम्हारा मैं विनोद? जो काम हम नम्रता से करवाने वाले थे वो बड़े राजदारी का काम था। मैंने नम्रता से मीटिंग की ये सिर्फ मैं जानता था या तुम जानते थे? फिर इस बात का पता निकी को कैसे चला? तुम्हारे सिवाय उसको कोई ये खबर दे ही नहीं सकता था। बाबूजी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने निकी को कुछ भी नहीं बताया। चुप रहो विनोद, बहुत सफाइयां सुन चुका हूं तुम्हारी। मैं समझता था कि औरतों के मामले में तुम बहुत होशियार हो गया हो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि निकी नाम की यह नादान और नासमझ लड़की एक दिन तुम्हें अपने इशारों पर नचाएगी और तुम उसके इशारों पर इस तरह नाचोगे कि तुम्हें अपना अच्छा और बुरा कुछ नजर ही नहीं आएगा। विनोद, ये बात बड़ी गहराई से सोच रही है कि आखिर निकी ये काम किसके शह पर कर रही है। विनोद, बुजुर्गों ने कहा है कि इंसान को ऐसे वक्त पर अपने साए पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। निकी तुम्हारी पत्नी, फिर उसके दिल में प्रगति और मनाली के लिए हमदर्दी कहां से पैदा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर का भेदी ही लंका ढा रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है विनोद, तो इस मामले में तुम्हें नहीं मुझे ही कुछ करना होगा। Thank you.
क्या वो भाभी? भाभी क्या हुआ? करण बाबूजी को पता चल गया है कि उनके प्लान के बारे में मैंने पुलिस को बताया है, लेकिन ये बात इनको कैसे पता चली? ये कहना तो मुश्किल है भाभी, लेकिन हो सकता है कि ये उस औरत ने बताया हो जो उस वक्त पार्क सिटी होटल में मौजूद थी। नहीं नहीं, उसने हमें नहीं देखा था। और ये बात के हम जान गए हैं बाबूजी के प्लान के बारे में, सिर्फ मैं जानती हूँ, तुम जानते हो, प्रगति जानती थी और इंस्पेक्टर विक्रम। प्रगति उन्हें बताएगी नहीं, इंस्पेक्टर विक्रम तो कभी नहीं बताएंगे। मैं सवाल ही नहीं उठता और तुम तो बता ही नहीं सकते हो, फिर उन्हें कैसे पता चला? अभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप मुझ पर जरूरत से ज्यादा विश्वास कर रही? करण, आजकल तो मुझे अपने आप से ज्यादा तुम पर भरोसा है। ठीक नहीं है भाभी, किसी भी एक इंसान पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो भरोसा टूटता है तो इंसान को बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। शायद तुम ठीक कह रहे हो करण। हर भरोसा करण, हर भरोसा एक ज्वालामुखी की तरह होता है, और जब वो ज्वालामुखी फटता है तो उससे निकलता हुआ बर्बादी का लावा कहां जाके गिरेगा, ये बताना बहुत मुश्किल है। भाभी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आपकी नाराजगी की वजह, आपकी फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है? क्या आपकी नाराजगी इस बात पर है कि ठाकुर साहब और विनोद भाई आपकी सच्चाई के बारे में जान गए? नहीं करण, मुझे इस बात का बिल्कुल टेंशन नहीं है। मुझे तो दुख सिर्फ एक बात का है कि विनोद ने मुझसे झूठ क्यों कहा। उसने बनाली और बच्चे के साथ उसका जो रिश्ता है मुझसे क्यों छुपाया? करण, मैं ऐसी औरत हूं जो हर वक्त सच्चाई पसंद करती है, चाहे सच कितना भी कड़वा हो। अगर मेरे साथ कभी ऐसा हो, अगर शादी के बाद मुझे किसी से प्यार हो जाए, फर्ज करो मुझे तुमसे प्यार हो गया, तो करण मैं ये बात विनोद से नहीं छुपाऊंगी, मैं उसे सच सच सब कुछ बता दूंगी। भाभी कभी कभी सच इंसान की जान का दुश्मन बन जाता है। तुम ठीक कह रहे हो करण, सच इंसान की जान का दुश्मन बन जाता है, लेकिन एक बात याद रखो, जो इंसान सच के लिए जान देना जानता है वो जान लेना भी जानता है। अरे भाभी ये आप मरने मरने की बातें कहां से आपने शुरू कर दी? चलिए ऐसा करते हैं कि मैं आपको किसी एक कच्चे ढाबे पे ले चलता हूँ, वहां पर आप वो बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी खाएंगे ना, तो आपका ये मूड बदल जाएगा। चलें। करण, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मेरा क्या होता? मैं ये सब कैसे फेस करती? तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। देखिए, मैं आपको कितना ख्याल रखता हूँ इसके बारे में तो तभी पता लगेगा ना, जब आप उस कच्चे ढाबे पे जाएंगे और उस बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी को खाएंगे और आपको पसंद आएगा। चलें। चलो। चल। Thank you.
मिस्टर बहल, तू डाल डाल मैं पात पात। करण साहब आप यहाँ? मिस्टर बहल, आप और यहाँ पर? बस वो आपके हाथ में क्या है मिस्टर बहल? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिस चीज को आप इतनी बेसब्री से तलाश कर रहे हैं मिस्टर बहल, वो मेरे पास है। कमरे में आने के बाद सबसे पहले मैंने उसे निकाल कर अपनी जेब में रख लिया। वैसे इसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है मिस्टर बहल? मिस्टर बहल, आपने वो बर्तन बेचने वाले को देखा? वो जो बर्तनों के बदले में कपड़े लेता है, लेकिन वो बर्तन बेचने वाला किसी दूसरे बर्तन बेचने वाले के साथ कपड़ों की अदला बदली नहीं करता। बात समझ में आई? फिलहाल तो मैं आपकी मैडम के साथ बाहर जा रहा हूं, आपसे आकर बाद में निपटूंगा। हैव अ गुड डे। नमस्ते इंस्पेक्टर विक्रम। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास ही आ रहा था। मुझे आपको मुबारकबाद देनी है भाई, आपका पेशेंट बच गया है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी मुबारकबाद इसीलिए कबूल करता हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसे खूनी दरिंदे को फांसी के फंदे तक ले जाने का मौका मिल रहा है जिसने ना जाने कितने ही मासूम जिंदगी को बर्बाद किया है। डॉक्टर साहब, मैं तो न्याय के मंदिर का एक छोटा सा पुजारी हूँ, मगर न्याय की देवी ऐसे कितने ही दरिंदों की बलि चाहती है, और अगर ये काम मेरे हाथों हो रहा है तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। इंस्पेक्टर विक्रम, आपका कहना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मगर मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हर मरीज की जान बचाने की पूरी कोशिश की जाए, चाहे वो मुजरिम हो, मासूम हो, बेगुनाह हो या गुनहगार। हमारा काम तो उसको जिंदगी देना है। मैं जिंदगी को मौत का चश्मा लगाकर देख नहीं सकता। वैसे आपका पेशेंट होश में आ चुका है, आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। यस डॉक्टर। कहो तिवारी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी? विक्रम साहब, आप मेरी तबीयत का हाल पूछकर मुझे तसल्ली तो देंगे? हाँ तिवारी, सच कहा तुमने, मगर जिंदगी ने तुम्हें सांसें लेने का ये दूसरा मौका दिया है। अगर जिंदा रहा विक्रम साहब, ऐसे मौके और भी कई मिलेंगे। नहीं तिवारी, इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि अब तुम्हें जीने का तीसरा मौका नहीं मिलेगा। साहब, ये तो वक्त की बात है, अगर वक्त साथ दे तो तीसरा क्या चौथा मौका मिलेगा। एक बात याद रखना विक्रम साहब, मैं अच्छा होने के बाद पुलिस की हिरासत में नहीं जाऊंगा, बल्कि अपनी दुनिया में लौट जाऊंगा और फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। तिवारी, शायद तुम ये नहीं जानते कि इस वक्त तुम्हारा इलाज रामनगर सेंट्रल जेल के हॉस्पिटल में हो रहा है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे केस की सुनवाई भी यहीं से हो। जिस दिन अदालत तुम्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाएगी, तुम इस जेल के फांसी घर में अपनी आखिरी सांस लोगे। तिवारी, मैं करके दिखाऊंगा, और जिस दिन तुम्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा,
मैं कोई खास इजाजत लेकर इस जगह पर मौजूद रहूंगा और तुमसे पूछूंगा कि एक मुजरिम की बेबस और जिल्लत मौत मरने के बजाय अगर तुम एक शहीद की मौत मरते तो वो कितना महान होता, कितना बड़ा होता तुम्हारे लिए। दीवारी, इस कमरे की चार दीवारी से फांसी का फंदा ज्यादा दूर नहीं। मिस्टर जगताप, कैसे हैं आप? तेरा बख्शीश मिल गया जरूर। हाँ, बख्शीश तो मिल गया, लेकिन मिस्टर जगताप, बख्शीश के साथ प्रमोदिनी ने कुछ और देने का वादा किया था। ए मित्तल, मैं तेरे को समझदार आदमी समझता हूँ, याद रख, इतना लालच मत रख। क्या है ये लालच जो चीज है ना, बहुत बुरी है, और इससे बुरी चीज है ये औरत। जी जी, जो कुछ भी मिला है उसमें खुश। हाँ, जो और कुछ पेपर मांगता है, पैसा मांगता है तो मुझसे ले ले, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ने का, समझा ना? मिस्टर जगताप, ने आपका मतलब नहीं समझा। नहीं, वो तो समझेगा भी नहीं, लेकिन क्या है कि मैं तेरा मतलब समझ गया, कि तू ये नहीं समझ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? देखिए, हाँ। आप प्रमोदिनी से जाके कहिए, हाँ। कि वो एक बार आके मिल सके। थैंक यू। तुझे ठीक है, उसको मैं बोलता हूँ तेरा इंतजार करने के लिए। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।